तो प्रपोजल, लेकिन मसला ये है कि दोनों फरीक इस वक्त तक, आज की डेट तक बात करने को तैयार नहीं है। तीसरा ये कि आज सुप्रीम कोर्ट में सारी बातें हुई माँ सिवाय इसके कि सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करेगा इलेक्शन की। हमें नहीं पता कि ब्रीफिंग, उन्होंने कहा तो ये है कि बहुत ज़बरदस्त ब्रीफिंग दी गई, लेकिन कहीं ये नहीं बताया गया कि जी सिक्योरिटी के लिए कोई एश्योरेंस दे दी गई है कि हम प्रोवाइड करेंगे। तो वो सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट इन्वोक करेगी आर्टिकल 245? उन्होंने वफाकी हुकूमत से कहा है, लेकिन वफाकी हुकूमत तो इलेक्शन कराने में इंटरेस्टेड नहीं है फौरी तौर पर, वो बिल्कुल जाने में इंटरेस्टेड नहीं है 14 मई के इलेक्शन में। तो क्या कल क्या होगा? मुझे लगता यह है कि कल जमात इस्लामी शायद जाए, वो रिक्वेस्ट करे सुप्रीम कोर्ट से कि हमें कोई टाइम दे।